कानपुर में नकली नोट छापने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कोई सातिर अपराधी या कई टाइम से अपराध करने वाले लोग नहीं, बल्कि बीटेक और पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले लोग हैं। यह लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद इस तरीके के देशद्रोह जो कि नकली नोट छापना अपराध है, यह अपराध कर रहे थे। पुलिस ने इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने नकली भारतीय करेंसी भी बरामद की है। जानिए क्या है पूरा मामला। आज पुलिस कमिश्नरेट कानपुर में डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम तथा थाना गोविंद नगर की टीम ने एक अच्छा कार्य किया है। 4,59,000 के फेक करेंसी नोट्स बरामद हुए हैं तथा तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों अभियुक्त अत्यंत ही सुशिक्षित है, एक पीएचडी है, एक बीटेक है तथा एक ग्रेजुएट है। इनके द्वारा अवगत कराया है करेंसी नोट्स को देखने के बाद जो फीचर्स प्रथम दृष्टया दूर से ये नोट असली ही नजर आते हैं। प्रिंटिंग के लिए इनके द्वारा जो सामान प्रयुक्त किया जाता था इन्होंने पूछताछ में कबूला है, जिससे अन्य इस कार्य के लिए क्राइम ब्रांच और थाने की संयुक्त टीम थी, उसको मेरे द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनको आइडिया YouTube पर वीडियोस देखकर मिला है, और ये अभी इनके द्वारा ये नहीं बताया गया कि कितना करेंसी नोट्स इन्होंने चलाया है मार्केट में। अभी तो बता रहे हैं कि हमने पहली बार ही ये प्रिंट किया था। ये दो फिरोजाबाद के हैं अभियुक्त, जिनके द्वारा फिरोजाबाद में इसको प्रिंट किया जाना बताया है, तथा इनका एक साथी कानपुर में है, जिसके द्वारा जिसको इन्होंने 5,000 रुपये प्रति लाख की दर से इसको मार्केट में खपाने के लिए दिया था। ये 200, 100, 50 आदि डिनोमिनेशन के नोट्स हैं और यहाँ रखे गए हैं जो सील किए हुए।